नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है बिहार के सीवान से। सीवान स्टेशन पर ट्रेन में मिला विस्फोटक पदार्थ। बिहार के सीवान में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से 20 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये विस्फोटक ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस से 4 बैग में मिले हैं, जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। हालांकि इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हो गई हैं। वह पता लगा रही है कि ट्रेन के अंदर आखिर ये बैग कैसे आया, क्या किसी साजिश को अंजाम देने के लिए इन्हें ट्रेन में लाया गया है। बम निरोधक दस्ते से जुड़े लोगों ने बताया कि बरामद विस्फोटक से एक बड़ा धमाका हो सकता था, इससे ट्रेन को भी क्षति पहुंच सकती थी। बताया जा रहा है कि रेल पुलिस ट्रेन की बोगियों में सर्च अभियान चला रही थी, ये एक रूटीन जांच था। रेल पुलिस ट्रेनों में अक्सर शराब होने की आशंका पर बोगियों की जाँच करती है। इसी बीच ट्रेन की एक बोगी में शौचालय के पास संदिग्ध बैग मिले, पुलिस के जवान अपने साथ उसे ले गए। जीआरपी अधिकारियों के मुताबिक बैग की जब जांच की गई तो उसमें विस्फोटक जैसे पदार्थ दिखाई दिए। इसके बाद तत्काल बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई, वहीं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया। विस्फोटक का वजन करीब 20 किलो है, रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं दोस्तों, रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन जहां से चल रही थी वहां से लेकर सीवान तक के हर स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। ट्रेन के अंदर बैग को किसने रखा है इस बात का पता लगाया जाएगा। इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किस लिए दोस्तों किया जाना था, इसकी भी जानकारी जुटाई जानी है। फिलहाल दोस्तों सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आखिर दोस्तों ये बैग किसने रखे हैं। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है दोस्तों, ट्रेन में 20 किलो विस्फोटक दोस्तों पदार्थ मिला है, जिसके चलते हड़कंप मच गया है। रेलवे अधिकारी अब दोस्तों जांच कर रहे हैं कि आखिर दोस्तों ये विस्फोटक पदार्थ दोस्तों ट्रेन में कैसे आया है। अब तक की बड़ी खबर, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।